सब आई होप बढ़िया होगा। मैं भी बढ़िया हूँ। और आज तो कोई ब्लॉग नहीं आया, बस सिर्फ घर में बैठा था और न्यूज़ देख रहा था। वो देख रहा था यार बिहार में क्या चल रहा है, बताइए। मतलब देख के क्या ही बोले कि मतलब ऐसा ऐसा चीज़ भी होता है बिहार में, हमको तो ही पता चल रहा है। मतलब लिटरली ऑनेस्टली हम ये चीज़ 3 दिन से देख रहे हैं। आज सुबह सुबह न्यूज़ देखे हैं, लेकिन नहीं, इस टॉपिक पे तो एक वीडियो बनता है। बट सिर्फ ये कोई मतलब ऐसा राजनीति का कोई वीडियो नहीं है, सब कोई ख्याल नहीं है। और मतलब कुछ ऐसा चीज़ पर मैं लेके वीडियो नहीं बना रहा। मेरा कोई इंटेंशन भी गलत नहीं है वीडियो बनाने का, बट लोगों का जो मेंटलिटी मैं देख रहा था और एब्जर्व कर रहा था, उससे तो मुझे बिल्कुल ख़राब लगा कि यार लोग कर क्या रहा है। लोग मतलब वर्ड ही नहीं आ रहा है बोलने के लिए, क्या ही बोला जाए। बट ठीक है, फिर भी जो भी कर रहा है लोग, आम जनता, मतलब जो लोग जनता लोग कर रहा है ये चीज़ बहुत ही ख़राब कर रहा है। जाके मतलब स्टेशन को जला रहा है, और मतलब आप लोग जैसे देख ही रहे हैं क्या 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 हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये लोगों को भी नहीं पता है। यार अग्निपथ जो एक स्कीम निकला था सोल्जर के ख़िलाफ़, मतलब 4 साल का जो नौकरी है, वो लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ ही नहीं पाए। बिना समझे हमको लगता है कि प्रोटेक्शन करना स्टार्ट कर दिए। पहले एक बार जाइए, समझिए उस चीज़ को क्या है, उसके बाद ना करना कीजिए आप लोग। तो क्या ही बोला जाए। ठीक है भाई, हम जानते हैं कि मतलब बहुत लोग डाक बंगला पे धरना देने बैठ गए, और न्यूज़ रिपोर्टर वाले पूछ रहे हैं क्या अग्निपथ, उनको पता ही नहीं कि अग्निपथ है क्या। तो क्यों बैठे हो भाई धरना देने आप लोग, तो आप लोगों को पता ही नहीं है? क्यों तोड़फोड़ कर रहे हो, क्यों तोड़ मचा रहे हो, क्यों भसड़ मचा रहे हो? आप लोग सब देख रहे हो वीडियो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखिए एक क्लिप मैं अभी डाल रहा हूँ, क्लिप के बाद फिर आएगा, फिर एक और वीडियो मैं दूंगा, फिर एक और क्लिप डालूंगा। आप सब देखिए तो क्या चीज़, तो क्या लोग भसड़ मचाए हुए हैं, कितना गंदा तरीका से बिहार को, मतलब एक तो ऐसे ही अपना बिहार आगे नहीं बढ़ पा रहा है कुछ लोगों की वजह से, और ऊपर से ये लोग और दंगा करके और बिहार को पिछड़ा बना रहे हैं। क्या ही बोल सकते, कुछ नहीं, वर्ड ही नहीं आ रहा यार, वर्ड ही नहीं आ रहा है कुछ बोलने को। तो देखिए ये वीडियो डाल रहे हैं जो क्लिप देखा कैसे मतलब लोग रेलवे संपत्ति को जला रहे हैं, स्टेशन को जला रहे हैं, मतलब जितना भी सरकारी संपत्ति है लोग उसको जला रहे हैं। सरकारी संपत्ति को जला के और खुद बोल रहे हैं कि हमको सरकारी नौकरी करना है, खुद सरकार के नौकर बनकर सरकार की चीज़ को ही जला रहे हैं। क्या ही गजब चीज़ है आप लोग देख रहे हैं। मतलब ऐसे ऐसे लोग कहाँ से आते हैं, खासकर ये सब पॉलिटिशियन और वो जो आजकल के जो टीचर लोग हैं, ये लोग अगर अच्छे बन जाए ना तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं। मैं किसी किसी पर्टिकुलर ना पॉलिटिशियन को इंक्लूड कर रहा हूँ, ना उनको बोल रहा हूँ, ना किसी पर्टिकुलर जो टीचर हैं आजकल के जो फेमस फेस, मैं ना उन लोग को बोल रहा हूँ। बट स्टिल अगर वो लोग सही हो जाए तो मतलब ऐसा चीज़ ऐसा नौबत ही ना है। और आम पब्लिक तो पागल हैं ही, देखिए उन लोग के चक्कर में हम लोग, मतलब हम लोग क्या खुद देख रहे हैं कैसे लोग परेशान हो रहे हैं। जिनको जाना है, जिनको आना है, जिसका एग्ज़ाम है, वो लोग को तो कितना प्रॉब्लम हो रहा है। एक दानापुर में आप लोग जैसे कि एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, एक बंदे का मतलब उसमें से कोई कार लगाया हुआ था, उसका कार जला दिया गया पूरा। बाकी का क्षति किसका हुआ, आम जनता का हुआ क्षति? अरे भाई तुम ये सब काम कर रहे हो, मतलब उसका ही मैं वीडियो लिया हूँ और वीडियो डाल रहा हूँ। आप लोग खुद उसका उसके जुबान से उसका जवानी सुनिए। ऐसे अगर जो उसका आप लोग वीडियो ऐसा उसका भी क्लिप पूरा देखिए, मैं सोशल मीडिया से उसे डाउनलोड करके और उस डाउनलोड करके उस माध्यम से मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग वो वीडियो देखिए, वो बंदे का मतलब सुनिए एक बार, मैं खुद नहीं बोलूँगा, वो खुद अपने लफ्ज जो आप बयां कर रहा है सुनिए, मैं क्लिप डाल रहा हूँ। कि जिसने भी जलाई है, जो भी स्टूडेंट जिसको भी नौकरी चाहिए, कम से कम ये मत करे कि किसी अनजान आदमी की गाड़ी चला के जला। बहुत मुश्किल से आदमी गाड़ी लेता है और जब गाड़ी खड़ी करके जाता तो कहाँ दी है यार पे रेलवे पुलिस फोर्स, कहाँ दी? आज ये इतनी तादाद में खड़े हैं, क्या कर लेंगे? पहले कहाँ गए थे सब? किसी ने भी जलाई है, वो आए यहाँ पे एक बार मेरे सामने, वो बोले कि ये इंसाफ है क्या, इससे नौकरी मिल जाएगी उनको? अरे मोदी जी से दिक्कत है, नीतीश से दिक्कत है, तो वहां चाहिए ना। अगर वो अभ्यर्थी होते तो ये काम कभी नहीं करते, सरकार की संपत्ति को जला दिया जाए, ट्रेन को
पार्टी को फूंक दिया जाए। यहाँ पर न्यूज रिपोर्टर न्यूज आदमी का दुख देखा, कितना कितना ही मतलब वो बंदा दुख दर्द में था। उससे पता चलता है कि वो कितने मेहनत से मतलब वो गाड़ी खरीदा होगा और लोगों ने उसे जला दिया। मतलब ठीक है, देख रहे हो कि उस जो लोग दंगा कर रहे हैं उस दंगा के कारण उस आदमी का क्षति हुआ। यार कभी तुम ये सोच रहे हो कि अगर तुम्हारा वो चीज़ होता तुम्हें कितना दुख लगता है? यार मुझे तो देख के ये लगा, बट कुछ कह नहीं सकते हैं। बाकी क्या ही बोले यार, ठीक है बाकी जो है सो है। लेकिन ऐसा कृपया करके हम आप लोग से विनती करते हैं, ये चीज़ ना करें यार, ना करें, बिल्कुल ना करें। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर उसके उस उन लोगों का सामान कोई ऐसा ख़राब करेगा, कुछ ऐसा लाख लाख रुपये का सामान जलाएगा तो कैसा उस पर बीतेगा? तो समझ में नहीं आता ऐसे ऐसे लोग का, क्या हाँ क्या किया जाए, कहाँ फ्यूचर गया है कहाँ नहीं। तो टिप्पणी ही देना गलत है लोग को, कुछ नहीं कह सकते। रेल जला रहे हैं, स्टेशन जला रहे हैं, समझो यार वो अपना ही पैसा का अपना ही चीज़ है, आखिर उस चीज़ को तुम बर्बाद कर रहे हो। फिर जब महंगाई बढ़ेगा तो बोलेगा सरकार महंगाई बढ़ा रही है, ये वो लंद फंद फलाना ढिमकाना। भाई अग्निपथ जो स्कीम है वह 4 साल का, ठीक है तुमको उससे आगे भी प्रिफ्रेंस मिलेगा, ऐसा थोड़ी कि नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी तुम लोग को करना है प्रोटेस्ट, करो सब करो अच्छे से करो। देखिए बाकी आप लोग सब क्लिप और वीडियो देखिए और देखिए। और वैसे तो ठीक है, मैं जितना बताया अपने तरफ से बेस्ट दिया, अगर आप लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन न्यूज़ ही दे रहा है, न्यूज़ रिपोर्टर वाले को भी मतलब मारा जा रहा है, क्या क्या किया जा रहा है आप सब देख ही रहे हो। सामने 3-4-5 दिन से न्यूज़ चल रहा है, आप लोग को जितना हो सके उतना अच्छे से देख जान रहे हो। अगर जिनको नहीं पता है वो एक बार देख ले जाके कि अग्निपथ क्या है, अग्निपथ क्यों लाया गया, इसके ऊपर वैसे आज शायद बैठक भी है, सुधार भी कुछ हो रहा है इसके ऊपर। सो देखिए आप लोग और अपडेट हमेशा लेते रहिए। लेकिन यार प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसे सरकारी संपत्ति को जलाए नहीं, ध्वस्त नहीं करें, और थोड़ा शांतिपूर्वक धैर्य रख के आप लोग प्रोटेक्शन कीजिए। तो ये उठ के रोड पे आना, टायर जलाना, ट्रेन जलाना, ये सब मतलब सही नहीं है यार। ये सब के चक्कर में आप लोग के चलते आम पब्लिक, आम नागरिक को बहुत ही कष्ट होता है। जो जिनको जिनके इमरजेंसी में इधर से उधर जाना होता है वो लोग फंस जाते हैं, जिनका एग्ज़ाम है उन लोगों को प्रॉब्लम होता है। मतलब आपके एक छोटे से गलती के कारण सोच लीजिए कितना कितना मतलब क्षति हो जाता है लोगों को। बट क्या आप लोगों को समझाया जाए? अगर किसी को अच्छे से नॉलेज नहीं है तो उससे पहले आके अच्छे से पकड़िए, उसमें पकड़ डालिए क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्यों नहीं किया जा रहा है, कि क्या चीज़ है। और यार खासकर पॉलिटिक्स, सबसे बड़ा चीज़ पॉलिटिक्स। अगर बिहार का नेता, बिहार का पॉलिटिक्स सुधर जाए ना तो सब चीज़ सुधर जाए। बिहार का शिक्षा, अगर जो शिक्षा देते हैं वो सब सुधर जाए तब बिहार एक अलग ही ग्रोथ पे चला जाए। लेकिन यहाँ का तो राजनीतिक खराब, यहाँ के लोग शिक्षा में भी राजनीतिक करते हैं, और यहाँ के कुछ ऐसे न्यूज़ रिपोर्टर भी हैं जो कि अलग लेवल के। खैर छोड़ो, हटाओ, ज़्यादा टिप्पणी तो हम देंगे नहीं इसके ऊपर। बट स्टिल अपने तरफ से जो मुझे दिखा, मैं जो देखा वो मैं अपना तो यहाँ को साझा किया। बट स्टिल बाकी आप लोगों पर डिपेंड करता है। और आप सारा वीडियो सारा क्लिप देखिए और जितना हो सके उतना इस चीज़ पे आप फोकस कीजिए और सबको बताइए, दिखाइए कि यार नहीं ये चीज़ गलत है, गलत हो रहा है। आप लोग आराम से बैठ के ये सब चीज़ भी कर सकते हैं, बट स्टिल सरकारी संपत्ति को तो बिल्कुल ही तबाह मत कीजिए, बिल्कुल ही तबाह मत कीजिए। ये चीज़ से बहुत ही गहरा नुकसान होता है लोगों को। लेकिन थोड़ा समझदारी से समझ कीजिए, आप लोग प्रोटेस्ट कीजिए। अरे और भी बहुत सारा ऐसा तरीका है प्रोटेस्ट करने का, उस पर थोड़ा वैसा प्रोटेक्शन कीजिए। बट स्टिल ये जलाने से कुछ करने से कुछ नहीं होता है, वैसे में हम लोग का ही नुकसान है, आपका भी नुकसान है, हमारा भी नुकसान है। और हमारे बिहार वासियों, प्लीज आप लोगों से निवेदन है कि कृपया ऐसे ऐसे बेवकूफ़ी तो ना करें आप लोग। बेवकूफ़ी के कारण सोचिए आज क्या छवि हम लोग का रह गया है। खासकर थोड़ा सा शांति बनाए रखें और इस चीज़ को थोड़ा सा इस चीज़ को मसले में थोड़ा अच्छे से ये करें, ठीक है। बाकी आप लोग वीडियो देखिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और जितना हो सके उतना लोग दिखाइए। तो ये चीज़ दंगा जो है ये चीज़ तो नहीं करना चाहिए, इसको रुकवाइए आप लोग मुझे। चलिए ठीक है, बाकी आप मैं वीडियो जो डाल रहा हूँ आप वीडियो देखिए, सारा वीडियो देखिए, आपको खुद सब पता चलेगा। बाय।